हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनिया। दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ, बीएड फर्स्ट ईयर से है कि किस तरह से आप लोग अपना एग्ज़ाम जो है अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स लेकर के आएँ। सो टॉप 10 टिप्स मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कि बीएड फर्स्ट ईयर में आप लोग कितने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और कैसे ला सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करें, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए और उनको आप अपने से लिखने का ट्राई कीजिए कि किस तरह से और कितना आप लिख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। सेकेंड है, टेक 5 to 10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस दिया है उसको समझिए, कौन कौन क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं उसको देखिए, और जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उसको भी आप अच्छे से कीजिए। ये थर्ड है आपका मैनेज योर टाइम। अगर 3 घंटे है तो 3 घंटे को आप कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देने वाले हैं वो पहले से डिसाइड करके जाइए कि 10 मिनट्स मुझे क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा, नोट्स जो शॉर्ट नोट्स है उसको लिखने में कितना लगना चाहिए, सारे टाइम मैनेजमेंट आपको पहले से कर लेना है। फिर उसके बाद है कि आपको अप्रोप्रिएट वे में सारे आंसर लिखने, मीन्स कि स्ट्रक्चर वाइज में जो आंसर पहले होना चाहिए वो पहले, फिर उसके बाद का लाइन, फिर उसके बाद का लाइन, मिक्सअप नहीं करना है। तो क्योंकि आप जब स्टेप वाइज आंसर लिखते हैं तो उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। फिर है, जो आप लिख रहे हैं उससे पहले आप माइंड में क्लियर हो जाइए कि आपको क्या लिखना है। थिंक बिफोर राइटिंग। आपको जो भी लिखना है पहले अपना बना लीजिए कि क्या लिखना है, कौन कौन से सेंटेंसेस फॉर्म करने वाले हैं आप, वो सब अपने माइंड में क्लियर रखिए। आप लैंग्वेज जो यूज़ करें सिंपल यूज़ कीजिए, चाहे आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, लेकिन सिंपल से सिंपल वर्ड उसमें यूज़ कीजिए जिससे समझ में आए। फिर है, अप टू द मार्क लिखिए। अप टू द मार्क का मतलब होता है कि अगर 2 नंबर का है तो कितना जाना चाहिए लॉन्ग, अगर 10 नंबर का वही क्वेश्चन है तो वो कितना लॉन्ग जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फिर है, सिंगल वर्ड्स, ज़्यादा लॉन्ग कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस यूज़ मत कीजिए, क्रिटिकल सेंटेंसेस मत यूज़ कीजिए, छोटे छोटे सिंगल वर्ड वाले सेंटेंसेस यूज़ कीजिए, इजी वर्ड यूज़ कीजिए। फिर डू नॉट राइट स्पोकन लैंग्वेज। यस, जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग लिख बहुत शॉर्ट लैंग्वेजेस चलते हैं, वो शॉर्ट लैंग्वेज आपको नहीं लिखना है, आपको स्पोकन लैंग्वेज नहीं लिखना है, रिटन लैंग्वेज जो होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामर वो लिखना है। फिर है, जब आप एक बार पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं, पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो गया, तो लास्ट में आप 10 मिनट्स ज़रूर निकालिएगा एक बार सारे आंसर्स वेरीफाई करने के लिए। तो सारे आंसर्स को एक बार गो थ्रू ज़रूर लास्ट में कीजिएगा, कहीं कोई पॉइंट या कुछ छूट तो नहीं गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये 10 पॉइंट है जिससे कि आप अपने बीएड फर्स्ट ईयर पर काम कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा उसको लिख सकते हैं। आता सब है लेकिन प्रेजेंट कैसे करना है उसका ये तरीका मैं आज के वीडियो में लेकर आई हूँ। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल हो। अगर कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, इंस्टा पे फॉलो कीजिए। टिल देन, हैव अ नाइस डे।